हर कोई लगना चाहता है हमेशा खूबसूरत, और खूबसूरत लगने में मेकअप का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेकअप करने के लिए हमें ढेरों प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, फाउंडेशन है, पाउडर, काजल, लिपस्टिक, कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम एक मेकअप प्रोडक्ट को बहुत जगह इस्तेमाल कर पाएँ तो कितनी अच्छी बात है, पैसे की भी बचत होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं काजल की। काजल खरीदते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें, काजल आपका स्मज प्रूफ होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तभी आपका काजल जो है आप जब लगाते हैं तो आपके काजल से लाइन आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, नैन कजरारे हो जाते हैं और कजरारे नैन किसी के मन को भी मोह लेते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग स्मज प्रूफ काजल खरीदिए, तो लाइनर की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनर की तरह इस्तेमाल करने के लिए आप किसी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पॉन्ज जैसे टिप वाला अगर पेन इस्तेमाल करें तो नथिंग लाइक दैट, आप आराम से काजल को लाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मज प्रूफ होगा तो ज़्यादा देर तक टिकेगा भी और सुंदर भी लगेगा। इसके साथ साथ आप काजल को इस्तेमाल कर सकते हैं आँखों के ऊपर आई शेडो के लिए। स्मोकी आई शेडो आजकल बहुत फैशन में है, तो स्मोकी आई शेडो लगाना हो तो पहले काजल को ब्रश की हेल्प से आंखों की लिड्स के ऊपर लगा लीजिए, उसके ऊपर आप आई शेडो लगाइए तो बहुत ही सुंदर स्मोकी आई शेडो आता है। इसके साथ साथ काजल को आप किसी ब्रश की हेल्प से बिंदी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो सांप की तरह बिंदी बनानी चाहे या गोल, बहुत ही सुंदर बिंदी बन जाएगी, लेकिन जो काजल है वो स्मज प्रूफ होगा तभी फ़ायदा होगा। फिर आप काजल को इस्तेमाल कर सकते हैं ब्यूटी स्पॉट बनाने के लिए। ब्यूटी स्पॉट तो आपको सुंदर बनाने में हेल्प करता ही है। आप बनाइए चिन पे, होठों के पास या अपने चीक्स के ऊपर, कहीं भी ब्यूटी स्पॉट बना लीजिए, इस काजल का इस्तेमाल कर लीजिए और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और काजल स्मज प्रूफ होगा तो बहुत देर तक टिकेगा। इसके साथ साथ कभी कभी होता है कि हमें बालों को कलर करना है और हमें फुर्सत ही नहीं मिली कलर करने के लिए, तो आप इसी काजल को बालों को कलर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी मस्कारा ब्रश ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरे ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काजल को लीजिए और अब जहाँ बालों में कलर करना है बस उसको काजल से कलर कर लीजिए, आपके बाल कलर हो जाएंगे। आप चाहें तो आईब्रोज में भी इसी काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो उसके बदले आप काजल को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ध्यान रखें काजल को बहुत हल्का लगाना है आईब्रोज में, क्योंकि बहुत डार्क आईब्रोज अच्छे नहीं लगते।